नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश सोनी और आप देख रहे हैं M2S कार इन्फो। दोस्तों आज हमारे साथ है टाटा अल्ट्रोज रेसर, जो कि ब्रांड न्यू कार अभी लॉन्च हुई है। कलर है ऑरेंज विद ब्लैक रूफ, मॉडल है R3 मॉडल। दोस्तों आज हम इस कार का फुल रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ ऑफर किया गया है। मेरी चैनल पर R2 का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप गोधरा के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पे पार्थ ऑटो कार्स टाटा मोटर्स में आके चेक कर सकते हैं। आपको सफारी, पंच, अल्ट्रोस, टिगोर सब कुछ यहाँ पे हैरियर वगैरह देखने को मिल जाएगा, टेस्ट ड्राइव मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको सर्विस मिलने वाली है। तो यहाँ पे आके आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे इसकी की से, तो कुछ इस तरह की की दी गई है। लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, हेडलैम्प ऑन करने का बटन और बूट अनलॉक का बटन दिया गया है। हेडलैम्प आपको एक बार ऑन करके दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं ये ऑन और ऑफ यहां से हो जाएंगे। आगे फ्रंट की बात करें तो यहां पे टाटा का नया लोगो, नीचे आपको यहां पे फ्रंट कैमरा, 360 डिग्री कैमरा आपको यहां पे मिल जाएगा। यहां पे बड़ी सी ग्रिल जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग, यहां पे बड़ा सा एयरडैम, नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एडम दिया गया है। टोहो की प्लेसिंग दी गई है। हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो कि येलो कलर में रहने वाले हैं। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, DRL आपको मिल जाएंगे और फॉग लैम्प भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि हैलोजन रहने वाले हैं। अभी एक बार इसका जो वाइपर है उसकी बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छे वाले वाइपर्स मिलने वाले हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एरो ट्विन वाइपर्स आपको ऑफर यहाँ पे किए गए हैं, तो कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। बाकी ये फ्रंट का जो बोनट आप देख रहे हैं आपको पूरा ब्लैक मिलने वाला है। दो आपको यहाँ पे वाइट लाइंस मिलने वाली जो कि ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे टू टोन गाड़ी का कलर दिया गया है। यहाँ पे भी आपको ब्लैक स्ट्रिप का यूज़ मिलने वाला है। तो यह है कुछ इसका फ्रंट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के साइड में। यह है कुछ गाड़ी का साइड। साइड से गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। अभी एक बार बात करें टायर साइज के बारे में तो 16 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर्स मिलने वाले हैं। एक बार टायर साइज चेक कर ले तो यहाँ पे 185/60R16 यानी कि 16 इंचेस के आपको यहाँ पे बड़े टायर्स मिलने वाला है, जो कि आपको ब्लैक कलर के एलॉयज मिलेंगे। तो काफ़ी बढ़िया ये अल्ट्रोज में ब्लैक कलर के एलॉयज लगते हैं। बाकी आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे रेसर की बैजिंग मिलने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में पावर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। जो साइड इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे फेंडर पे दिया गया है। यहाँ पे पियानो ब्लैक में इसमें आपको ORV मिल जाएंगे। यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा। ये ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाले हैं। बाकी एक स्ट्रिप यहाँ से पियानो ब्लैक की पूरी गाड़ी में पीछे की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाएगा, यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा जो कि पियानो ब्लैक में इसमें रहने वाला है। ऊपर एक बार इसका जो ग्राफिक्स है वो आप चेक कर ले, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ये लग रहा है। डोर हैंडल की बात करें तो बॉडी कलर डोर हैंडल मिलने वाले हैं जो कि आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। पीछे आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो डोर हैंडल है वो दिया गया है। तो ये था कुछ इसका साइड। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। ये है गाड़ी का रियर। रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पॉयलर मिल जाएगा जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में, यानी कि रूफ का जो कलर है वही मिलने वाला है। साइड से एक बार देखिए तो ये काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी ये स्पोर्टी लग रहा है। हाई मोनोटेक स्टॉप लैम्प, वॉशर की प्लेसिंग, डीफॉगर मिल जाएगा, रियर वाइपर मिल जाएगा, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, टाटा का लोगो, यहाँ पे अल्ट्रोस की बैजिंग जो कि ब्लैक कलर में मिलने वाली है। नीचे आपको यहाँ पे आई टर्बो प्लस की बैजिंग मिल जाएगी, आई आपको रेड कलर में मिलेगा। यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट की प्लेसिंग, दो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। टेल लैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको LED सेटअप मिल जाएगा, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग लाइट, नीचे आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। एक बार बूट ओपन करके देख लेते हैं तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। कुछ इतना ये बूट मिलने वाला है। 345 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। स्पेयर टायर में आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो 14 इंच का स्पेयर टायर मिलने वाला है। एक बार टायर साइज चेक कर लेते हैं तो 165/80R14 यानी कि 14 इंच का दो साइज छोटा आपको यहाँ पे टायर ऑफर किया गया है। बाकी पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी। सीट्स जो है वो आपको 60-40 स्प्लिट नहीं मिलने वाली है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे लगेज लैम्प मिल जाएगा, 3-3 kg के यहाँ पे दोनों साइड आपको हुक मिल जाएंगे। तो ये था कुछ इसका बूट। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे ये पेट्रोल वेरिएंट है, 37 लीटर पेट्रोल यहाँ पे आप डलवा पाएंगे। तो अभी हम चलेंगे गाड़ी के
अंदर। यह है गाड़ी का फ्रंट डोर। फ्रंट डोर की बात करें तो ऑल ब्लैक सेटअप दिया गया है, ऑल प्लास्टिक का यूज़ सभी जगह पे। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा जो कि फैब्रिक रहेगा। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में डोर अनलॉक मिल जाएगा। ORVM के कंट्रोल, चारों पावर विंडो अप एंड डाउन का बटन, आगे आपको ऑटो अप एंड डाउन मिल जाएगा, चाइल्ड लॉक मिल जाएगा। यहाँ पे हैंडल दिया गया है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस, 1 लीटर बॉटल की स्पेस, और यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर आपको मिल जाएगा। स्पीकर की प्लेसिंग, इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर के साथ 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएगा, जिसकी ऑडियो क्वालिटी मैं ज़रूर सुनाऊंगा। एक बार सीटिंग पोजीशनिंग देख ले, कुछ इस तरह की सीटिंग पोजीशनिंग मिलने वाली है। सीट्स एक बार चेक कर ले तो आपको यहाँ पे लेजर एट अपोस्ट्री मिलने वाली है। कुशनिंग यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ऑरेंज कलर की स्टिचिंग आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे ऑरेंज एंड वाइट एलिमेंट का यूज़ मिलने वाला है। आगे की दोनों सीटें आपको वेंटिलेटेड मिल जाएगी, जो कि कूल्ड वेंटिलेटर रहने वाली है, जिसका बटन यहाँ पे दिया गया है। बाकी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन और स्लाइडिंग तीनों यहाँ पे ऑफर किया गया है। तो अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करें स्टेयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 स्पोक डीक का स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा, जो कि टिल्ट रहेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाला है। ये आपको लेजर रेड मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको ऑरेंज स्टिचेस मिल जाएगी। स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑडियो माउंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वॉइस कमांड वगैरह। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसिंग दोनों साइड मिल जाएगी, टाटा का लोगो जो कि बिल्कुल नया है। नीचे आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इस कार में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, जो कि रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको ऑफर किया गया है। एक बार इसका जो क्लस्टर है उसे ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वेलकम करने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको क्लस्टर मिलने वाला है। AC को मैं यहाँ पे ऑफ कर दे रहा हूँ। कुछ इस तरह का क्लस्टर मिलने वाला है। ब्रेक पे पाँव रखते ही ये कार स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है, इसे हम एक बार बंद कर देते हैं। तो यह है कुछ इसका क्लस्टर। फुली डिजिटल आपको यहाँ पे क्लस्टर अभी अल्ट्रोस में इस वेरिएंट में ऑफर कर दिया गया है। बाकी RPM मीटर दिया गया है, यहाँ पे फ्यूल वगैरह शो करेगा, टेम्परेचर वगैरह शो करेगा इंजन का, यहाँ पे ट्रिप वगैरह शो करेगा। तो इस कार में आपको ये सब ऑफर यहाँ पे किया गया है। स्पीड यहाँ पे शो करेगी, इसे आप यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट भी कर पाएंगे। यहाँ पे बटन दिए गए हैं। साइड की बात करें तो यहाँ पे AC वेंट, जो कि ऑरेंज कलर में मिलने वाला है। ऑरेंज कलर का एलिमेंट आपको मिलेगा, पियानो ब्लैक आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा के लिए बटन दिया गया है, जिसे मैं ऑन करके ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पे फ़ोन रख पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी डीप है। आगे आपको यहाँ पे बूट अनलॉक के लिए, जो इसका बूट नहीं, हालांकि इसका जो हुड है उसे ओपन करने के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे फ्यूल कैप ओपन करने के लिए बटन दिया गया है। और पेडल्स देख ले, 3 पेडल्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये मैनुअल कार है। यहाँ पे भी आपको लाइट्स दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे लाइट्स यहाँ पे ऑफर की गई है, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी ट्विटर यहाँ पे दिया गया है, दोनों साइड आपको मिल जाएंगे। सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसा व्यू मिलने वाला है। एक बार इसकी क्वालिटी चेक कर ले। प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, आपको पता है कि ये कार इसकी क्वालिटी क्या है, जिसे मैं बताना नहीं चाहूँगा। सेंटर में आपको ये जो इसका नया जो अल्ट्रोस में, हालांकि ये हैरियर और सफारी नेक्सॉन में आता ही है, लेकिन इसमें अभी अल्ट्रोस में नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक बार मैं आपको इसका मेनू दिखा दूँ, तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें आपको 10 इंच का ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजोन एलेक्सा, एयर प्यूरीफायर, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। टच रिस्पॉन्स यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, इसकी क्वालिटी मैं आपको ज़रूर सुनाने वाला हूँ। नीचे आप एक बार AC वेंट देख ले, तो कुछ इस तरह के आपको 2 AC वेंट यहाँ पे और 1 यहाँ पे दिया गया है। ऑरेंज एलिमेंट का यूज़ यहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको AC में मिल जाएगा। एक बार जो इसकी 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी दिखा दूँ, तो कुछ इस तरह की आपको ये क्वालिटी मिलने वाली है। जो बीप का साउंड है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पीछे ग्लास एरिया है इस शोरूम का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे 3D में हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो टाटा की सभी गाड़ी में कैमरा में 360 डिग्री में काफ़ी सुधार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे क्वालिटी दी गई है। 2D में देख ले, एक बार साइड का देख ले, कुछ इस तरह का। इस साइड में आपको टिगोर खड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पीछे का दोनों कार्स पीछे खड़ी हुई है वॉल के बाद। तो ये था कुछ इसका कैमरा, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दी गई है।
यहाँ पे ब्लैक कलर में अल्ट्रोस की बेजिंग दी गई है, एम्बियंट लाइट दी गई है, हालांकि आप देख पा रहे होंगे रेड कलर की। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, नीचे आपको एसी के सारे कंट्रोल दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगा, नीचे चार्जर्स मिल जाएंगे, 12 वाट का चार्जर दिया गया है, टाइप सी और टाइप ए दिया गया है, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको ऑरेंज कलर का यूज़ मिलेगा, गियर नॉब मैनुअल ये कार है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, लेदर का यहाँ पे यूज़, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट मिल जाएगा जो कि सॉफ्ट टच रहने वाला है, जिसे एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं, तो छोटा सा आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, थोड़ी सी जगह यहाँ पे मिलेगी। एक बार जो इसका ग्लो बॉक्स है उसे ओपन कर लेते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे बड़ा वाला ग्लो बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको लाइट्स मिल जाएगी, तो काफ़ी बढ़िया बात है, और ये काफ़ी डीप दिया गया है, ऊपर भी जगह है और नीचे भी जगह है, और यहाँ पे भी आपको कप होल्डर्स वगैरह दिया गया है। IRVM की बात करें तो यहाँ पे आपको डे एंड नाइट IRVM दिया गया है, रीडिंग लैंप आपको मिल जाएगा जो कि वाइट कलर का रहने वाला है, यहाँ पे SOS का बटन इमरजेंसी के लिए, यहाँ पे जो पैसेंजर साइड एयरबैग है उस ये ऑन है ऑफ यहाँ से शो करेगा, सनरूफ ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे ओपन कर दे रहे हैं तो आपको ये सनरूफ मिल जाएगा। अभी इसे एक बार वॉइस कमांड से क्लोज करने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ से इस बटन को प्रेस करना होगा, Say a command. सनरूफ बंद कर दीजिए। Okay, सनरूफ बंद कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा वॉइस कमांड से मैंने सनरूफ को क्लोज कर दिया गया है, और यहाँ पे इसे मैन्युअली क्लोज करना होगा। वैनिटी मिरर चेक कर ले तो आपको यहाँ पे को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, हालांकि टिकट होल्डर आपको मिल जाएगा। तो ये था कुछ इसका फ्रंट, और भाई एक बार जो आगे की सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो पीछे का स्पेस भी देख लेते हैं, मेरी हाइट है 5'6", तो उस हिसाब से मेजर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ। यह है गाड़ी का रियर डोर, रियर डोर में भी आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक कलर मिलने वाला है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है जो कि फैब्रिक रहेगा, डोर एंड अनलॉक आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा, ट्विटर की प्लेसिंग, यहाँ पे विंडो अप एंड डाउन का बटन, हैंडल दिया गया है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पे 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस दी गई है, स्पीकर की प्लेसिंग, एक बार सीटिंग पोजीशनिंग देख ले तो कुछ इस तरह की सीटिंग पोजीशनिंग मिल जाएगी, और ये जो डोर है वो आपको 90 डिग्री ओपन मिलेगा, तो चढ़ने उतरने में काफ़ी आसानी रहने वाली है। तो अभी एक बार अंदर चलते हैं और चेक कर लेते हैं लेग रूम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वाला मुझे लेग रूम मिल रहा है, यहाँ पे काफ़ी फैल के मैं यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। एक बार थाई सपोर्ट देख लेते हैं, थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे काफ़ी फैल के अच्छी तरीके से मैं बैठ पा रहा हूँ, थाई सपोर्ट मुझे इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा लगा। अभी एक बार हम इसका जो हेडरूम है वो देख लेते, जैसा कि आप देख सकते हैं डिसेंट इनफ हेडरूम यहाँ पे मिल जाएगा, स्पेस थोड़ी सी रह रही है, मेरी हाइट है 5'6", 6 फीट का बंदा थोड़ा सा यहाँ पे उसको फील होगा कि यहाँ पे हाइट थोड़ी सी कम है 6 फीट के बंदे के लिए। सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएगा रियर में, जिसे आप यहाँ से ऊपर नीचे कर पाएंगे और ब्लोअर यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे टाइप ए का चार्जर दिया गया है, यहाँ पे स्पेस दी गई है, हम्प आपको यहाँ पे नाके बराबर मिलने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नाके बराबर हम्प यहाँ पे दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएगा एक हुक के साथ, दूसरा भी आपको यहाँ पे हुक के साथ मिल जाएगा, और तीसरा वहाँ पे आगे आपको मिल जाने वाला है। एक बार यहाँ पे सीट्स देख ले, काफ़ी बढ़िया कुशनिंग यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, एक यहाँ पे 2 सीट बेल्ट मिल जाएंगे, तो 3 सीट बेल्ट आपको ऑफर किए गए हैं, और यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट दोनों साइड आपको मिल जाएंगे। पीछे आपको 1-2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और आगे भी आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है, तो एक बार इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। आर्मरेस्ट मिल जाएगा लेकिन आपको कप होल्डर नहीं मिलेंगे टॉप मॉडल में भी, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये था कुछ इसका रियर, एक बार रियर से व्यू दिखा दूँ तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे व्यू मिलने वाला है। अभी हम चलेंगे गाड़ी के आगे की तरफ और इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनेंगे, और उसके बाद बात करेंगे इसकी प्राइस वारंटी वगैरह की। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। इसमें आपको 8-speaker साउंड सिस्टम मिल जाएगा जिसे मैं प्ले कर दे रहा हूँ। जैसा कि आपने सुना
इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। वॉल्यूम को मैंने 14 पे रखा हुआ था, उसके बाद भी इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, स्पीकर काफ़ी क्रिस्टल क्लियर थे। इसे मैं 9.5 आउट ऑफ 10 ज़रूर देना चाहूँगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शोरूम पे आके इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसे एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के बाहर। अब है वीडियो का लास्ट पार्ट। सबसे पहले बात करें वारंटी के बारे में, तो इसमें आपको 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि टर्बोचार्ज रहने वाला है। पावर की बात करें तो इसमें आपको 118 bhp की पावर और 170 nm का टॉर्क मिल जाएगा जो कि हैचबैक सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट है। माइलेज की बात करें तो इसका भी कोई क्लेम रेंज नहीं है, हालांकि ये 17 से 18 के आसपास आपको पेट्रोल में माइलेज दे सकती है जो कि ड्राइवर के हिसाब से वेरी करेगा। अभी बात प्राइजेस की, दोस्तों इसकी एक शोरूम प्राइस है 10,99,000 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस रहेगी 12,51,000 रुपये। तो आप शोरूम पे आइएगा, आप यहाँ पे विजिट करेगा, आपको अच्छी खासी यहाँ पे प्राइस और सर्विस वगैरह मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा। और फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि इसका जो ऑडियो सिस्टम है उसे एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा, ये काफ़ी मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। बात करें इसकी सेफ्टी रेटिंग की, तो इसने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए हैं और ये इंडिया की एकमात्र अकेली ऐसी हैचबैक कार है जिसने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए हैं। तो नो डाउट ये सबसे सेफेस्ट कार है। दोस्तों ये थी अल्ट्रोज रेसर और इसका जो ये वेरिएंट था वो था R3 यानी कि टॉप मॉडल। कलर था ऑरेंज विद ब्लैक रूफ। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।